नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश इस समय एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, कोविड-19। हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस बीमारी से परेशान है। लाखों लोगों की इसमें जान जा चुकी है और लाखों लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। इसके चलते हुए भारत से एक बहुत बुरी खबर आ रही। भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक LG पॉलीमर कंपनी यानी इंडस्ट्री में स्टायरीन नाम की गैस के निकलने से काफ़ी लोग उससे इन्फेक्टेड हुए हैं। LG पॉलीमर नाम की ये कंपनी प्लास्टिक जैसे कुछ सब्सटेंस, रबड़ या फाइबर ग्लास बनाने में ये गैस यूज होती है स्टायरीन नाम की, और ये गैस काफ़ी पॉइजनस होती है। एक्चुअली ये गैस न्यूरोटॉक्सिक होती है, और इसके रिसाव से इसका रिसाव रात में स्टार्ट हुआ और इसके रिसाव से उस इंडस्ट्री में 3000 से लोग वहाँ पे अवेलेबल थे, 3000 लोग तक वहाँ पे अवेलेबल थे, जिसमें से बहुत सारे लोग वेंटिलेटर पे, 80 से ज़्यादा लोग वेंटिलेटर पे हैं। एंड अभी तक जो खबर आई है 10 लोगों की इसमें जान भी जा चुकी है। ये बहुत ज़्यादा जहरीली यानी ये टॉक्सिक गैस है जो कि न्यूरोटॉक्सिक है, और बहुत ही इसमें लोगों को प्रॉब्लम भी हुई है। वहाँ तक कि जो भी इंडस्ट्री थी उसके आसपास के एरिया को खाली करा दिया गया है, क्योंकि ये जो स्टायरीन गैस है, स्टायरीन गैस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके वो पूरी काफ़ी डिस्टेंस में कवर कर लेती है, और वहाँ के जो भी पर्सन्स होते हैं ब्रीथ के थ्रू उनकी बॉडी में पहुँच जाती है। अगर हम स्टायरीन की बात करें तो स्टायरीन का जो फॉर्मूला होता है C8H8, ये एक इसका अगर हम दूसरा नाम देखें तो ये एक बेंजीन रिंग से बनती है। अगर आप देखें तो इसका स्टायरीन का दूसरा नाम होता है एथिनिल बेंजीन, विनिल बेंजीन एंड फेनिल एथीन। एक्चुअल में ये गैस जो है प्लास्टिक जैसे सब्सटेंस बनाने में यूज होती है और ये न्यूरोटॉक्सिक होती है। ये इसमें कोई स्मेल नहीं होती, ऑडरलेस गैस होती है, इसमें कोई महक नहीं आती है, और ये गैस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर काफ़ी दूर तक स्प्रेड हो जाती है, और स्प्रेड हो जाने से वहाँ पर एनिमल्स हों या इवन वहाँ के प्लांट्स भी हैं उनकी लीव पूरी तरीके से मुरझा गई है, वो प्लांट बचने वाले नहीं है। अब देखना ये है कि उस गैस का असर वहाँ पे कितने दिनों तक होता है। आसपास के जो भी एरियाज हैं वो वहाँ पे खाली करा दिए गए हैं, 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस में जो भी एरिया है, क्योंकि वो उसका जो इफेक्टिव एरिया है वो 4 से 5 किलोमीटर तक होगा। वहाँ के लोग, वहाँ के जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे इफेक्टेड हो सकते हैं। तो अब इस गैस की अगर बात करते हैं तो ये गैस हमारी बॉडी में पहुँच कर जो एक्चुअली जो सिग्नल्स बनते हैं, इम्पल्स होते हैं, वो जनरेट नहीं करते, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। तो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में पहुँचता है तो हमारी बॉडी के कोई भी ऑर्गन सबसे पहले ये हमारे लंग्स को भी डैमेज करता है, सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इवन हमारी आँखों में जलन होने लगती है और भी हेडेक होने लगती है, नॉइजिया होने लगती है। तो ये काफ़ी डेंजरस गैस होती है। ये इंडिया में दूसरी ट्रेजेडी है, इससे पहले भी ट्रेजेडी हो चुकी है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। आप सबने सुनी होगी भोपाल के बारे में, कि भोपाल में भी एक कंपनी थी और जो 1984 में, यानी जो है आज से करीब 36 साल पहले जो है 1984 में दिसंबर में, उसमें भी जो है रात में ही गैस रिलीज हुई थी। उसमें भी काफ़ी लोग, उसमें करीब 3787 लोगों की डेथ हो गई थी और उसमें 5000 लोग फंसे हुए थे, इन्फेक्टेड थे उस गैस से। अगर बात करते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की, तो ये रात में 1984 में ये घटना हुई थी और उसमें करीब 5000 लोग फंसे हुए थे, और जो उसमें गैस रिलीज हुई थी ये मिथिल आइसोसाइनेट, ये भी जो है काफ़ी पॉइजनस गैस होती है, और ये भोपाल में एक
कंपनी है जो कि पेस्टिसाइड कंपनी है, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, उसमें हुआ था। और उसके बाद अब ये विशाखापट्टनम में हुई है, उसके बाद ये दूसरी बड़ी घटना है। इससे काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हैं और 80 या 100 से ज़्यादा लोग वेंटिलेटर पे हैं, उनकी हालत भी बहुत गंभीर है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हालांकि हमारा इस समय देश काफ़ी बड़ी परेशानियों से गुजर रहा है। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे आगे फॉरवर्ड करें, लाइक करें। धन्यवाद।